हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फ्रूट कॉकटेल जो आप मार्केट से लेकर आते हैं, जो हमें बहुत ही कॉस्टली मिलता है, 150 से 200 रुपए का उसका टिन मिलता है, जिसे हमें 3 दिन में ही ख़त्म करना होता है। लेकिन अगर हमें छोटा केक बनाना है तो इसके लिए हमें इतना महंगा लेने की लेना हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसी की घर में हम कैसे बनाएंगे उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें आप अपने पसंद के फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने भी अपने पसंद के फ्रूट्स का ही बनाया है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि घर में आपको कैसे बनाना है। तो यह मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। ये पपाया है, ये ड्राइड चेरी है, और ये एप्पल है। एप्पल के मैंने कुछ क्यूब्स कर लिए हैं। ये अनार है और ये स्ट्रॉबेरी है। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा ही चाहिए तो आप बड़े स्क्वायर कट इसके कर सकते हैं। मुझे छोटे चाहिए थे इसलिए मैंने छोटे कट किए हैं। अब हमें एक बर्तन ले लेना है, उसे गैस पर रखना है, और ये 1/4 कप मैंने शुगर ली है, जो मुझे थोड़ा ही बनाना है इसलिए मैंने 1/4 कप शुगर ली है। आप फ्रूट की क्वांटिटी के हिसाब से इसकी शुगर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और यह मैंने कुछ मिक्स फ्रूट एसेंस की कुछ ड्रॉप्स ली है। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, और जो 1/4 कप शुगर मैंने ली है वह हम इस बर्तन में डालेंगे, और 1/4 कप को 2 बार भर के हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और गैस की फ्लेम को तेज कर हम इसे चीनी को हमें सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी हमें नहीं बनानी है इसकी, हमें सिर्फ चीनी मेल्ट करना है। तो अब गैस की फ्लेम को तेज करके हम इसे चीनी को मेल्ट करेंगे। देखिए चीनी को हमें किस तरह से मेल्ट करना है, आपको इसकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट से इसे लेकर आते तो ये आपको बहुत महंगा पड़ता है। कस्टमर हमें उतना पे नहीं कर पाते हैं जितना हमें चाहिए होता है, जितना हमारा खर्चा हो जाता है इसमें। तो इस तरह से, क्योंकि हमें टॉपिंग के लिए तो फ्रूट्स अलग से ख़रीदने ही पड़ते हैं, और टिन जो हम लेते हैं वो अलग हमें लेना पड़ता है। कैंडेड टिन जो आता है कॉकटेल फ्रूट्स का, वो हमें अलग से खरीदना पड़ता है, और ऊपर टॉपिंग के लिए फ्रूट्स अलग से, तो हम इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अब देखिए, जब शुगर मेल्ट हो गई है इसलिए मैंने घर पर ही इसे कैसे बनाना है उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। अब ये जो फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं, यह जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तो यह उस सिरप में आपको यह फ्रूट्स डालने हैं, और इसे एक उबाली आने तक आपको पकाना है। एक उबाली आने तक आपको इसे अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि आपको शुगर की जो चाशनी है वह नहीं बनानी है, इसलिए इसे तेज फ्लेम पर ही आप इसकी उबाली लें। सिर्फ एक उबाली आने तक हम इसे फ्रूट्स को इसमें पकाएंगे। देखिए इस तरह से उबाली आएगी, इस तरह से उबाली आने तक हम इसे पकाएंगे, और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि हमारी उबाली अच्छे से आ चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और गैस की फ्लेम बंद होने के बाद हमने जो मिक्स फ्रूट एसेंस लिया है वह उसकी कुछ ड्रॉप्स हम इसमें डालेंगे। मिक्स फ्रूट एसेंस से इसमें बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर जो है वो आता है, तो यह आपको इसमें डालना ज़रूरी है। अगर नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, और मुझे बहुत अच्छी लगा इसकी जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगी मिक्स फ्रूट की इसमें डालने पर। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे, और इसे हमें ठंडा करना है इसी बर्तन में। मैंने इसमें अनार के दाने और स्ट्रॉबेरी डाली, जिससे इसमें जो इसका शुगर सिरप था उसमें रेडिश कलर आ गया है। अगर आप रेडिश कलर नहीं चाहते, आपको बिल्कुल मार्केट जैसा ही सिरप भी चाहिए, तो आप इसमें अनार और स्ट्रॉबेरी कट करके ना डालें। आप इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं, पपाया डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट्स लेना है वो आप डाल सकते हैं, ग्रीन एप्पल डाल सकते हैं। उससे इसका जो सिरप है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें कोई कलर नहीं आएगा। और फ्रेश चेरीज अगर आप लेंगे तो भी इसमें कलर नहीं आएगा। मैंने कैंडिड चेरी, जो ड्राई चेरी जो हमारे पास रहती है केक के लिए जो हम लेकर रखते हैं, मैंने वो डाली है।
अब इसे मुझे सुबह केक बनाना है, इसलिए मैं इसे इस डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में भर के इसे स्टोर करके इस तरह से, अगर ये जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह से डब्बे में आपको भर कर इसकी लिड अच्छे से लगा कर आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना है। फ्रिज में भी आप इसे 3 से 4 दिन आराम से रख सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे केक बनाने का तो उसके एक दिन पहले आप इसे बना लीजिए और इसे यूज़ करिए केक में अपने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।